वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर यूज़ करते हैं वो विंडोज़ NT है, विंडोज 2000 सर्वर है, Ubuntu और लिनक्स है। ठीक है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एज ए नेटवर्क की ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, और नॉर्मल जो हम अपने PC के ऊपर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो विंडो XP है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, मैकिंटोश भी हैं और उबंटू है। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम एज ए सर्वर यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपनीज में ज़्यादातर वाइडली जो यूज़ किया जाता है वो हमारे पास लिनक्स है, उबंटू है और विंडोज 2000 है। ठीक है, हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय LBM, एक्सप्लेन। LBM क्या होता है एक्सप्लेन करें। LBM स्टैंड्स फॉर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट सिस्टम। LVM की जो फुल फॉर्म है वो है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। अब LVM के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये LVM होता क्या है और इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम तो आता ही है, लेकिन उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा प्राइमरी सॉफ्टवेयर होता है, हमारे सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, हमारे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डालते कैसे हैं और उससे ये LBM कैसे क्रिएट करते हैं। अब ये LBM देखने में होता कैसा है पहले ये भी दिखा देता हूँ। इसको बोल रहे हैं हम LBM, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और वो पार्टीशन हमें कैसी नजर आती है, CJK CDEF में नजर आती है ना। देखी होगी आपने कंप्यूटर में, जब भी हम PC खोलते हैं तो उसके अंदर ड्राइव्स बनी होती हैं, ये ड्राइव्स जो हैं वो LBM है। अब ये तैयार कैसे होती हैं, बनती कैसे हैं, ये जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम इन इन पार्टीशंस को हमें क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अब इनको क्रिएट कैसे करते हैं तो के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं उस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो आपने ध्यान से इस प्रोसेस को समझना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है उसके स्टेप्स जो हैं वो दिए हुए हैं, स्टेप्स को आपने एक एक करके अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, पहले तो हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है या फिर उबंटू है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपने ही चूज करना है कि कौन सा इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास कौन से मीडियम के अंदर है, कौन सा मीडिया है जिसके जरिए हमने इसको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है। वी कैन इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम DVD, पेन ड्राइव, इंटरनेट ड्राइव एटसेट्रा। ठीक है, हम DVD से भी इसको डाल सकते हैं, पेन ड्राइव से डाल सकते हैं और इंटरनेट से भी इसको डाल सकते हैं। अब मान लो कि हमारे पास जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम DVD में है या फिर पेन ड्राइव में, तो हम अगर DVD में है तो DVD को इंसर्ट करेंगे, अगर पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव को USB में प्लग इन करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप है हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देंगे, रीसेट बटन दबाएंगे और कंप्यूटर को रीबूट करेंगे। आफ्टर रीस्टार्ट प्रेस बूट की टू सेट बूट सोर्स मींस फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रीस्टार्ट करने के बाद हमें एक बूट की प्रेस करना पड़ती है, मतलब कि हमें बूट सोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम कहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, यानी कि DVD या पेन ड्राइव कुछ भी हमने लगाया हुआ है जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमें रीस्टार्ट करने के बाद किसी बूट की के जरिए सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्या ये पेन ड्राइव में है या फिर DVD में है।
तो इसके लिए ये बोट की हमें अलग अलग कंप्यूटर या अलग अलग लैपटॉप के लिए अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ती है। ये फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक इन सब के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, हर कंपनी के पीसी के लिए या लैपटॉप के लिए अलग अलग होती है। अब मान लो कि हमारे पास HP का लैपटॉप है, उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, विंडोज 7 डालनी है, तो उसके लिए हम बूट की F11 प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस तरह से सिलेक्शन आ जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करने के लिए कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई हार्ड ड्राइव तो नहीं लगाई हुई है, वहाँ से हार्ड डिस्क से भी डाल सकते हैं, हार्ड डिस्क मतलब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है हमारे पास, उसमें से भी डाल सकते हैं, या USB स्टोरेज डिवाइस, या कि हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पेन ड्राइव में से डालना है, ठीक है, या हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम DVD में, तो DVD सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास जो है वो पेन ड्राइव में, तो मैं यहाँ पे USB स्टोरेज डिवाइस को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास ये वाली स्क्रीन आएगी, ठीक है, विंडोज 7। सबसे पहले हमने लैंग्वेज देखनी है, लैंग्वेज यहाँ पे डिफॉल्ट इंग्लिश ही आएगी। टाइम और करेंसी फॉर्मेट क्या है, ये डिफॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स का ही आएगा। कीबोर्ड और इनपुट मेथड US जो है वो ऐसे ही रहने देना है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास विंडोज 7 और नीचे इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा, इसके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सेटअप की प्रोसेस शुरू होगी और यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज 7 अल्टीमेट x86। x86 स्टैंड फॉर विंडोज आर्किटेक्चर है ये, कि अब विंडोज जो है हमने 32 बिट में इंस्टॉल करनी है या फिर विंडोज जो है हमने 64 बिट में करनी है, तो नीचे x64 जो है वो 64 बिट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। मान लो हमने 32 बिट में इंस्टॉल करनी है, तो ऊपर हम x86 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास विंडो का लाइसेंस आएगा इस तरह से, प्लीज रीड द लाइसेंस टर्म्स। हमने यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं यहाँ पे रीड करना होता है, यहाँ पे सीधा हमने ये जो नीचे चेक बॉक्स बना हुआ है आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगी, अपग्रेड और कस्टम। अपग्रेड ऑप्शन हमारी रहेगी, जैसे मान लो हमने विंडोज 7 को विंडोज 10 में अपग्रेड करना है या विंडोज XP को विंडोज 7 में अपग्रेड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपग्रेड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हमने LBM के कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमें कस्टम की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। कस्टम के और भी फीचर्स रहती हैं, अगर हम कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जाके हम विंडो की फ्रेश फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कस्टम के अंदर, ठीक है। तो कस्टम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है वो हार्ड डिस्क जो है वो डिटेक्ट हो जाएगी, 25 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है। और नीचे जो है हमारे पास एक और ऑप्शन आएगी, ड्राइव ऑप्शंस, ठीक है। इस 25 GB की हार्ड डिस्क को हमने किस तरह से लॉजिकल पार्ट्स में बांटना है, तो उसके लिए हमारे पास ड्राइव ऑप्शंस रहेगी, ठीक है। ऊपर हमने हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करना, उसके नीचे जो है ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है नीचे इस तरह से ऑप्शन ऑप्शंस आ जाएंगे, एक रिफ्रेश, डिलीट, फॉर्मेट और न्यू। न्यू ऑप्शन रहेगा हमारे पास इस हार्ड डिस्क की नई पार्ट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम न्यू के करेंगे, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो GB वाला स्पेस है ये सारा का सारा हमारे पास जो है वो MB में आ जाएगा। अब ये जो 25 GB की हार्ड डिस्क है ये MB में हमें दिखा रही है 25,600 MB की है, ठीक है। अब इन 25,600 MB को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, मान लो कि आपने कितनी ड्राइव्स बनानी है, CDEF, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही ड्राइव्स दिखाऊंगा डिवाइड करके, ठीक है। अब 25,600 का जो हमारे पास स्पेस है 25,600 MB का, इसको हम सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि दो ही पार्टीशन करेंगे, सी और डी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ इस जो भी 25,600 MB का जो स्पेस है इसको डिवाइड करके
दो पार्ट्स में 10,000 MB डाल देते हैं, मान लो एक ड्राइव के लिए, सी के लिए हमें 10,000 का रख दिया, और उसके बाद हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, और उसके बाद हम ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है वो सबसे पहले ऊपर सिस्टम रिजर्व्ड स्पेस बनेगा 100 MB का। ये कंप्यूटर जो है अपने लिए सेव रखता है 100 MB का जो स्पेस है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो हमने स्पेस भरा था, ठीक है, 10,000 MB का, उसके साथ जो है हमारी डिस्क, ये जो लिखा हुआ है ना पार्टीशन 2 9.7 GB, ये हमारे पास सी ड्राइव आ गई, ठीक है, ये सी ड्राइव हो गई। अब बाकी जो हमारे पास जो था 15.2 GB का जो हार्ड डिस्क स्पेस हमारे पास अब बच जाता है, अनएलोकेटेड है, ये ऊपर सी ड्राइव होगी 9.7 GB की। अब डी के लिए हम दोबारा ये जो 15.2 GB वाला जो हार्ड डिस्क का जो स्पेस है इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद फिर दोबारा से हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने न्यू के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास ये स्पेस फिर से MB में आ गया, ठीक है। इसके बाद सीधा हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो है वो ये डी ड्राइव बन जाएगी हमारे पास, ऊपर सी हो गई और नीचे डी हो गई, ठीक है। अब विंडो, इसके बाद हम एक एक करके इनको फॉर्मेट भी कर देंगे, यानी कि फाइल सिस्टम भी बना देंगे इनके अंदर। फॉर्मेटिंग से फाइल सिस्टम तैयार होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था NTFS, ठीक है, इसका फाइल सिस्टम NTFS में हो गया। उसके बाद हम विंडो को कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हमने पार्टीशन 2 को सिलेक्ट किया, ऊपर लिखा हुआ है ना वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज, यानी कि हम हमेशा विंडो को सी ड्राइव में ही डालते हैं। तो हमने पार्टीशन 2 को सिलेक्ट किया यहाँ पे, और बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से प्रोसेस चलेगी, कॉपिंग विंडोज फाइल, ये सारी प्रोसेसेस एक एक करके चलेंगी, ठीक है। ये कॉपिंग विंडोज फाइल जो है वो 100% तक जाएगी, और उसके बाद एक्सपेंडिंग विंडो फाइल्स 100% तक, इंस्टॉलिंग ये भी 100% तक, और उसके बाद कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन होगी हमारी 100 तक। ये एक एक करके प्रोसेसेस कंप्लीट होगी, और उसके बाद हमारी विंडो जो है वो इंस्टॉल होगी, इस तरह से नजर आएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो पार्ट्स जो हैं, जो मैं बता रहा था आपको LBM जो हमने वहाँ पे अभी डिवाइड किए थे, वो कैसे नजर आए। ये कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, अब ये जो पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे, सी वाला जो 9.66 GB में है, और यहाँ पे 15 वाला जो स्पेस बचा हुआ था 15 GB वाला, वो डी ड्राइव, ठीक है। तो इस तरह से हम हार्ड डिस्क की पार्टीशन करते हैं, और इसके अंदर लॉजिकल वॉल्यूम बनाते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आती है पार्टीशन स्ट्रक्चर की, कि पार्टीशन स्ट्रक्चर होते क्या हैं। पार्टीशन स्ट्रक्चर हमारे पास दो तरह के रहते हैं, एक MBR में और एक GPT में, ठीक है। MBR stands for master boot record, in MBR we can create only 4 partition of hard disk, जैसे कि नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है ना। MBR में हम हार्ड डिस्क की सिर्फ 4 ही पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, को हम MBR बोलते हैं, ये MBR स्ट्रक्चर रहेगा। अब GPT क्या है, GPT stands for Global Partitioning Table, in GPT we can create more than 4 partitions of hard disk, लेकिन GPT में हार्ड डिस्क की जो है वो 4 से अधिक हार्ड डिस्क की पार्टीशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे नीचे मैंने दिया हुआ है CDEFGH, जितनी मर्जी आप हार्ड डिस्क की पार्टीशन क्रिएट कर लो GPT के अंदर, ठीक है। अब मान लो हमारी, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास हार्ड डिस्क कितनी कैपेसिटी की है। अगर हमारे पास हार्ड डिस्क GB में है तो उसके लिए 4 पार्टीशन ही काफ़ी रहेंगी, लेकिन मान लो हमारे पास हार्ड डिस्क जो है वो पेटाबाइट में है, हेक्साबाइट में है, जेटाबाइट में है, तो उसके लिए हम GPT यूज़ कर सकते हैं। तो ये पार्टीशन स्ट्रक्चर MB और GPT का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ में जो लॉजिकल वॉल्यूम्स हैं वो इस तरह से नज़र आए हमारे, और कैसे क्रिएट किए वो मैंने आपको समझा ही दिया। लेकिन यही लॉजिकल पार्टीशन जो है वो लिनक्स और उबंटू में इस तरह से नजर आते हैं, SDA1
जैसे 250 GB की जो है वो SDA 1, 250 GB की हम SDA 2 बना देंगे, ठीक है, SDA 3 250 GB की इस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये उबंटू के अंदर जो हार्ड डिस्क हमें नज़र आती है वो उस तरह से नज़र आती है पार्टीशन में, ठीक है। तो हमने विंडोज़ में देखा कि किस तरह से हम लॉजिकल वॉल्यूम्स को बनाते हैं, ठीक है, और उनको कैसे मैनेज करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लिनक्स और उबंटू के अंदर करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय LVM, एक्सप्लेन। LVM स्टैंड्स फॉर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ एन एडवांस्ड मैथड फॉर डिस्क पार्टीशनिंग एंड डिस्क फॉर्मेटिंग विद ए फाइल सिस्टम। LVM क्या है? एक लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एक एडवांस मेथड है डिस्क की पार्टीशनिंग और उसकी फॉर्मेटिंग का किसी फाइल सिस्टम के साथ। देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स दैट LVM मैनेजेस। अब इसके अलावा LVM जो है वो 3 कॉन्सेप्ट को मैनेज करता है। इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं, फिजिकल वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ग्रुप्स और लॉजिकल वॉल्यूम। सबसे पहला है फिजिकल वॉल्यूम्स। The physical volume commands are used for adding or removing hard disk drives in volume groups. अब ये जो physical volume commands हैं इनका use किया जाता है hard disk drives को add करने में, उनको remove करने में किसी volume group के अंदर। अब इस command को हम practically करके देखते हैं terminal के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कमांड यूज करेंगे एफ डिस्क स्पेस -L। ये हमें हार्ड डिस्क के अंदर जितनी भी ड्राइव्स अवेलेबल है उन सबको ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। यहाँ पे SDA 5 और SDA 6 और SDA 7 जो ड्राइव्स हैं इनको ऐड करेंगे फिजिकल वॉल्यूम के अंदर, जिसके लिए कमांड है PV क्रिएट स्पेस /dv/sda5/dev/sda6/dev/sda7। तो इसके साथ जो है हमारा जो PVC क्रिएट हो गया है, ठीक है, हमारा जो फिजिकल वॉल्यूम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसको अगर हमने देखना होगा तो एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। देखने के लिए कमांड रहेगी हमारे पास PV डिस्प्ले /dev/sda5। ये 5 जो हमने ड्राइव को ऐड किया था फिजिकल वॉल्यूम में उसको दिखा रही है। पीवी का जो साइज है 3.00 GB में दे रहा है इसका साइज, ठीक है। उसके बाद सेकंड पीवी डिस्प्ले /dev/sda6 और इसका जो स्पेस है ये 3 GB का है इस फिजिकल वॉल्यूम का। उसके बाद अगर जो तीसरी ड्राइव हमने बनाई PV डिस्प्ले /dev/sda7, अब उसका जो स्पेस है 3 GB का, ठीक है। तो ये थी हमारी फिजिकल वॉल्यूम कमांड्स, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी वॉल्यूम ग्रुप्स। अब हमारे फिजिकल वॉल्यूम बन गए, अब उन वॉल्यूम की ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे SDA5, SDA6, SDA7 और SDA8 बना दिए, ठीक है। तो हम दो दो ड्राइव्स का एक ग्रुप बना सकते हैं, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे ना, द वॉल्यूम ग्रुप कमांड्स आर यूज फॉर ग्रुप आर यूज फॉर ग्रुपिंग ऑफ द फिजिकल पार्टीशन। अब जो हमने फिजिकल पार्टीशन जो अभी ऐड करी उन फिजिकल पार्टीशनिंग को हम एक ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट स्पेस वॉल्यूम ग्रुप का नाम /dev/sda5/dev/sda6। दो इसके अंदर ड्राइव जो है हमने वॉल्यूम ग्रुप के अंदर डाल दी, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। VG क्रिएट /dev/sda5/dev/sda6, ये हमारा वॉल्यूम ग्रुप 1 क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी वॉल्यूम ग्रुप के लिए कमांड, और अगर इसको हमने डिस्प्ले करना होगा तो PV डिस्प्ले वॉल्यूम ग्रुप 1, ठीक है। VG डिस्प्ले वॉल्यूम ग्रुप 1, ये जो वॉल्यूम का ग्रुप था उसको इसने डिस्प्ले कर दिया। इसके लिए कमांड थी हमारे पास VG डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ,
वीजी डिस्प्ले, ठीक है, और यहाँ पे एलवी। तो वीजी वन ग्रुप जो है उसके अंदर जो हमने ऐड करे उसका एक ग्रुप बन गया उन सभी ड्राइव्स का, ठीक है। तो टोटल जो स्पेस बन गया है इसका फ्री स्पेस में 5.99 GB है और वीजी का जो साइज बना वो 5.99 GB, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा लॉजिकल वॉल्यूम्स। द लॉजिकल वॉल्यूम कमांड्स आर यूज्ड फॉर पार्टीशन ऑफ द प्रेजेंट वॉल्यूम ग्रुप्स। अब मान लो जो हमने लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप्स बनाए उनकी फिर दोबारा से हमने पार्टीशन करनी है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे एल वी क्रिएट स्पेस माइनस कैपिटल एल स्पेस 3G, इनकी 3 GB का स्पेस माइनस एल एंड स्पेस एल वी वन स्पेस वॉल्यूम ग्रुप वन। वॉल्यूम ग्रुप वन जो है उसका हम बना देंगे लॉजिकल वॉल्यूम वन, ठीक है। इसके लिए हम कमांड इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ग्रुप 5.99 GB, एल वी क्रिएट स्पेस माइनस एल स्पेस 3G स्पेस माइनस एन स्पेस एल वी वन स्पेस वी जी वन, ठीक है। ये हमारा जो लॉजिकल वॉल्यूम है उस ग्रुप का क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके अंदर जो है कमांड लाइन के जरिए जो है फिजिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम ग्रुप्स और लॉजिकल वॉल्यूम्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रैक्टिकली भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा यही कॉन्सेप्ट काफी था, कल हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।